वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हमारी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का औपचारिक रूप से उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, तो ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। और इसका उद्घाटन भारत के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण की तरफ बंगलौर में किया गया और ये राष्ट्रीय कॉल सेंटर 25 अगस्त से प्रचालित किया जा रहा है और अब इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो इसमें 24/7 कार्यरत कॉल सेंटर शुरुआत से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जानकारी प्रदान करेगा और बाद में 9 और क्षेत्रीय भाषाओं को इसमें जोड़ा जाएगा और इसमें 7 अधिकारी भी अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। और हैदराबाद में एक और ऐसा कॉल सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर उसका बाद में उद्घाटन किया जाएगा। अब देखिए यहां पर जो आयुष्मान भारत योजना है इसी के लिए कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है और जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ सक्षम और नई सामग्री बनाने के लिए एक सेवा प्रदान करना है। और आयुष्मान भारत कार्यक्रम एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के तहत एक नया कार्यक्रम है जिसमें 10.74 करोड़ गरीब वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की पहचान की गई है और इसमें सभी परिवारों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह की ये आपकी आयुष्मान भारत योजना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए जो बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है तो आपको बेंगलोर के बारे में पता होना चाहिए। बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी है और कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है HD कुमारस्वामी और गवर्नर है वजूभाई वाला। और कर्नाटक के बारे में आपको 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पता होना चाहिए कि हाल ही में कैंपागुड़ा हवाई अड्डा दुनिया का दूसरा सबसे विकसित हवाई अड्डा घोषित किया गया है वो कहां पर है, आपका कर्नाटक में है। और हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और 5 तकनीकी नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है, तो ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। तो देखिए नाओमी ओसाका द्वारा US ओपन के फाइनल में सेरेना विलियम्स पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली वो पहली जापानी महिला बन गई हैं। और ओसाका ने पहले सेट में आक्रामक शुरुआत की और 6 बार की US ओपन चैंपियनशिप को सीधे सीधे 2 सेटों में हराया और उन्होंने जबरदस्त गति के साथ मात्र 33 मिनट में खेल को समाप्त कर दिया और US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला खिताब जीत लिया। तो ऑप्शन यहां पर डी सही होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये जो टेनिस के टूर्नामेंट होती हैं वो किस क्रम में होती हैं? तो देखिए सबसे पहले वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, इसके बाद फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है, इसके बाद विंबलडन टूर्नामेंट का आयोजन होता है और अंत में यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट और यूएस ओपन टूर्नामेंट ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि इसमें फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। तो ये आपको दूसरे क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्सिस बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में एक्सिस बैंक के नए CEO के रूप में अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। तो देखिए एक्सिस बैंक ने घोषणा की है कि अमिताभ चौधरी को 1 जनवरी 2019 से
3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है और अमिताभ चौधरी वर्तमान में एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं, जो 31 दिसंबर 2018 को शिखा वर्मा के पद के छोड़ने के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी बैंक के प्रभार का कार्यभार ग्रहण करेंगे। और 54 वर्षीय श्री चौधरी जनवरी 2010 से एचडीएफसी लाइफ के साथ जुड़े हुए थे। अब यहां पर देखिए एचडीएफसी बैंक की बात हुई तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय नई मुंबई में। और यहां पर देखिए एक्सिस बैंक की बात की तो आपको एक्सिस बैंक के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए एक्सिस बैंक की जो स्थापना है वो की गई थी सन 1993 में, तब इसका नाम यूटीआई बैंक था, ठीक है। और एक्सिस बैंक का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है और शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की वर्तमान में सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। लेकिन इसके बाद जो अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ होंगे वो होंगे अमिताभ चौधरी, तो ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ISSF विश्व चैंपियनशिप में अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो इसका जो राइट आंसर है ISSF विश्व चैंपियनशिप में अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन यहां पर ए सही होगा। तो देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा ये उनके करियर की सबसे बड़ी जीत है और इसी के साथ ही भारतीय शूटिंग टीम ने दक्षिण कोरिया के चांगवांग में आयोजित टूर्नामेंट में अपना प्रभुत्व बनाए रखा है, क्योंकि इसमें हाल ही में उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण कोरिया की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण कोरिया देश की राजधानी है सियोल और वहां की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ISSF की बात हुई थी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन और इसका मुख्यालय है म्यूनिख में, जो कि जर्मनी देश में है और ISSF की स्थापना हुई थी 1907 में। तो आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड पर 4th विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है हाल ही में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड पर 4th विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो NBA है यानी कि राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड है, ये एक द्विवार्षिक इसका सम्मेलन किया जाता है जो हितधारकों को उसके ज्ञान और जानकारी को मान्यता प्राप्त करने के लिए संघ प्रदान करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो NBA है यानी कि राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड, वो मान्यता प्राप्ति के माध्यम से भारत में पेशेवर और तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता और आश्वासन में कार्यरत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जिसके द्वारा कई संस्थानों मान्यता प्रदान की जाती है। अब देखिए ये जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ है, तो देखिए नई दिल्ली के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और दिल्ली की लोकसभा से कुल 7 सीटें हैं, राज्यसभा से कुल 3 सीटें आती हैं और वहां की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। और देखिए दिल्ली के बारे में आपको बता दूं कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और दिल्ली के बारे में आपको 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन पता होना चाहिए। हाल ही में दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन बने हैं। और 24वां दिल्ली पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका दिल्ली में आयोजित किया गया है। और भारत की पहली जैव ईंधन संचालित फ्लाइट वो कहाँ पर उतरी है, तो इसका आंसर है भारत की पहली जैव ईंधन संचालित फ्लाइट नई दिल्ली में ही उतरी है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है कवि शत्रुघ्ना पांडव को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उल्लेखनीय है कि जो ओडिशा के कवि हैं शत्रुघ्ना पांडव, उनके कविता संग्रह मिश्रा ध्रुपद के लिए उनको प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए सरला पुरस्कार की यहाँ पर बात की गई तो आपको सरला पुरस्कार के बारे में पता होना चाहिए। ये जो पुरस्कार है वो सन 1979 में स्थापित ओडिया उद्योगपति स्वर्गीय डॉक्टर बंसीधर पांडा और स्वर्गीय इला पांडा के द्वारा स्थापित किया गया था और उनकी जो मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है और ये 26 अक्टूबर को श्री पांडव को प्रस्तुत किया जाएगा। और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और उसमें एक प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मंत्रालय गांधी जी की जयंती पर वैश्विक स्वच्छता सम्मेलन आयोजित करेगा। तो
तो इसका जो राइट आंसर है, केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय गांधी जी की जयंती पर वैश्विक स्वच्छता सम्मेलन आयोजित करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की चौथी सालगिरह की शुरुआत के लिए एक वैश्विक स्वच्छता सम्मेलन आयोजित करेगा। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन, जो कि एक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, और इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच को खत्म करता है, यानी कि ODF घोषित करना देश को इसका लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत सन 2014 में हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट से, और इसका लक्ष्य 2 अक्टूबर सन 2019 तक गांधी जी की 150वीं जयंती तक पूरे देश को ODF घोषित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। और इसका स्लोगन क्या है, तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, किस देश ने समुद्री जल की निगरानी के लिए HY-1C उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर है, चीन देश ने हाल ही में समुद्री जल की निगरानी के लिए HY-1C उपग्रह लॉन्च किया, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो चीन ने समुद्री जल और जलवायु परिवर्तन की समझ में सुधार करने के लिए एक समुद्री उपग्रह लॉन्च किया है। तो चीन से HY-1C उपग्रह को ले जाने के लिए एक लंबे मार्च C-2 रॉकेट को लॉन्च किया गया था, और ये जो उपग्रह है वो वैश्विक समुद्री पर्यावरण पर शोध के लिए बुनियादी डेटा प्रदान करके समुद्र के रंग, पानी और उसके तापमान की निगरानी में ये मदद करेगा। अब देखिए, यहाँ पर चीन की बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए चीन की राजधानी है बीजिंग, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, और वहां की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है संघाई, और वहां की मुद्रा है रेमिनबी, जिसको युआन भी कहते हैं। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, हाल ही में किस राज्य का डाटा शेयरिंग और एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम में पहले डेटा शेयरिंग और एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें देखिए, डेटा शेयरिंग और एक्सेसिबिलिटी प्लेटफॉर्म जानकारी तक सुधार में मदद करने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग राज्य सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा किया जा सकेगा। अब देखिए, यहाँ पर सिक्किम की बात की गई है, तो देखिए सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और वहां के सीएम है पवन कुमार चामलिंग, और गवर्नर है गंगा प्रसाद। तो ये आपका 9वें क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर है 54 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो अलीबाबा के सह संस्थापक और अध्यक्ष जैक मा ने सोमवार को अपने 54वें जन्मदिवस पर विशाल चीनी ई कॉमर्स कंपनी से सेवानिवृत्त योजना होने की योजना बना ली है, और सेवानिवृत्ति के बाद जैक मा ने शिक्षा पर केंद्रित परोपकार के लिए अपना समय समर्पित करने की योजना बनाई है। और मैं आपको बता दूं, जैक मा प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार चीन के सबसे अमीर पुरुषों में से एक है, जिनकी कुल आय $38.6 अरब है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अलीबाबा कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि इसी कंपनी के संस्थापक हैं। तो देखिए, अलीबाबा कंपनी की स्थापना सन 1999 में हुई थी, यानी कि 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पैराशूट का हाल ही में परीक्षण किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है नासा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए, नासा ने मंगल ग्रह पर अपने अगली रोवर लैंडिंग की सुपरसोनिक पैराशूट का परीक्षण करने के लिए वर्जीनिया में एजेंसी की फ्लाइट सुविधा के लिए एक ध्वनि रॉकेट लॉन्च किया है, और इसको पैराशूट नाम दिया गया है। तो रॉकेट ने शुक्रवार को लॉन्च कैलिफोर्निया के नासा के जेट से उन्नत सुपरसोनिक पैराशूट के माध्यम से उसको लॉन्च किया गया, और पैराशूट स्रोत पर सफलतापूर्वक वापस भी पहुंच चुका है। ठीक है, जो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल ग्रह पर भेजा गया है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, और इसके 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी, जिसका नाम निक्स ओलंपिया है, वो भी आपका मंगल ग्रह पर है। अब मैं आपसे कमेंट में आपसे चाहूंगा कि नासा का फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपको पता है तो नासा का फुल फॉर्म प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, किस देश ने हाल ही में वीजा रहित प्रवेश की अनुमति प्रदान की है।
तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में पाकिस्तान ने वीजा रहित प्रवेश की अनुमति प्रदान की है, तो ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि पाकिस्तान के करतारपुर साहिब की ओर बढ़ने वाली तीर्थयात्रियों को वीजा रहित प्रवेश की अनुमति देने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो करतारपुर है वो गुरुद्वारा भारतीय सीमा के पास पंजाब प्रांत के नरीवाल जिले में स्थित है और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जो मृत्यु थी वो वहीं हुई थी, और इसी विश्वास के कारण सिखों द्वारा इसे बहुत ही धार्मिक स्थल माना जाता है। तो वीजा रहित प्रवेश के द्वारा गुरुद्वारा जाने के लिए एक गलियारा बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान ने केवल और केवल पाकिस्तान ने करतारपुर साहब की ओर बढ़ने वाली या तीर्थ यात्रियों को ही वीजा रहित प्रवेश की अनुमति दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और वहाँ के प्रधानमंत्री हाल ही में बने, उनका नाम है इमरान खान, और वहाँ के राष्ट्रपति का भी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो वे बने हैं आरिफ अलवी, जो कि ममनून हुसैन का उन्होंने स्थान लिया है, और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो देखिए, कल आपसे पूछा गया था एशिया खेल 2018 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता, तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 27 अगस्त, ऑप्शन सी 28 अगस्त, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, और कमेंट में ये भी बताइए कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है, और इसका आपको आंसर भी बताना है, ठीक है, और नासा का फुल फॉर्म भी आपको बताना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में आप दे सकते हैं, तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फेसबुक पेज की लिंक पर क्लिक करके वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक कल की जो साप्ताहिक करंट अफेयर की टेस्ट वीडियो नंबर 21 नहीं देखी है तो आप इंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको टॉप 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन 15 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपके कितने सही हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।